जैसे कि रागिनी का हवाला बताया, वो रावण की पत्नी मंदोदरी समझाती है कि पियाजी जिस जिस इंसान ने पर नारी के ऊपर निगाह टिकाई है उनका सर्वनाश हुआ है, और मैं आपको समझाती हूँ कि आज आप अपने ऊपर घमंड कर रही हो लेकिन ये घमंड आपका ज्यादा देर टिक नहीं सकता। क्या समझाया जरा सुनेगा रागिनी के माध्यम से, क्या बताया? हेरे तू अपने में राजी से ओ हो, हेरे तू अपने में राजी से पर निंदा करे यो जहान तेरी, हेरे पर तिरिया ने ठाके लिया होगी अकल वीरान तेरी, होगी अकल वीरान तेरी। हेरे तू अपने में राजी से रह, आज आप इस सीता को उठा करके लाए हो, शायद ये सोच रही हो अपने मन के अंदर कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन नहीं पियाजी, जिस इंसान ने भी ये सोचा है कि पराई स्त्री हमारी है, अगर किसी इंसान ने ये सोचा तो उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। क्या बताया पहली कली में सुनिएगा, कहीं कहीं सांस लगे हैं, कहीं कहीं सांस लगे हैं, और मान गई इन महलों में भूतों का वास लगे हैं, और तेरा और तेरी, तेरा और तेरी लंका का कुछ दिन में नाश लगे हैं, दिन में नाश लगे हैं, और वेद शास्त्र पढ़े विधार रे 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 रे, और वेद शास्त्र पढ़े विधा वो कहां गई विद्वान तेरी, पर तेरी आने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी, होगी अकल वीरान तेरी। बात अवश्य सच्चे लिखी है क्या, कि कोई इंसान अगर बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म करने से पहले ये नहीं सोचता कि कल को अगर तुझे फल मिलेगा तो इसका बुरा ही फल मिलना है, लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान बुरे कर्म तो कर लेता है लेकिन जब कल उसे इस बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है तो ये सोचता है अपने मन के अंदर कि जो मैंने बुरे कर्म किए वो अपने आप थोड़ी किए हैं, भगवान ने करवाया, जैसे किया हमने कर दिया। लेकिन सजनों, अगर वो भगवान बुरे कर्म करने की बुद्धि देता है
तो अच्छा करने की बुद्धि सबसे पहले दे देता है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता। क्या बताया, जरा सुनिएगा। अरे झूल जुलम की, अरे झूल जुलम की रे, आ झूल में खतरा से इस टहने का, उल्टे रस्ते चाल मनुष्य दोष धरे फिर लहने का, दोष धरे फिर लहने का। कुछ अच्छा कर ले कर्म जगत में, सदा नहीं यहाँ रहने का। मैं पत्नी तेरी, पत्नी तेरी बेशक सू, कुछ हक राखू हूँ कहने का, हक राखू हूँ कहने का। इस राह में रक्षा नहीं करेगा, हेरे रे रे शादी हो जाती है, और शादी करने के बाद चाहे उसके घर में उसकी पत्नी चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर किसी और की पत्नी नजर आ गई तो ये समझो अपनी फेल है उसके सामने। ये कहेंगे कि यार उसकी पत्नी आई है, देख कितनी खूबसूरत है, चाहे अपनी लाख गुना अच्छी हो। लेकिन सजनों, इस कली में बताया कि जो इंसान पर स्त्री के ऊपर निगाह टिकाते हैं उनका क्या हर्ष होता है, जरा सुनेगा कैसे। अरे हट धर्मी पे, अरे हट धर्मी पे अड़ के पापी, फिर पाछे पछतावे से, पर तिरिया हो जहर की पुड़िया, जो खावे मर जावे से, जो खावे मर जावे से। अहंकार के मध में फस क्यों, घर में मौत बुलावे से, राजा साधु कुटुंबदार को घनी समाई चाहवे से, घनी समाई चाहवे से। इस जहां से लाया वही छोड़िया, हेरे रे 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 रे। जहाँ से लाया वही छोड़िया, इसमें सदा निशान तेरी, पर तेरा लिखा के लाया, होगी अकल वीरान तेरी, वही होगी अकल वीरान तेरी। सजनों, रावण कहने लगा कि इस घर में तू ये बता कि मैं तेरी पत्नी हूं या तू मेरा पति है। कहने लगी, महाराज आप ही का रोप चलता है, मैं आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति हो, जो आप कहोगे मैं वो ही करूंगी। तो कहने लगा रावण कि जा महलों में और चुपचाप जाके बैठ जा, जैसा मैं चाहूंगा ऐसा ही होगा। लेकिन मंदोदरी फिर समझाती है, और क्या समझाती है सुनिएगा। चाला कर बैठा, पर तेरी आंख को घर में लिया मुँह, कुल का काला कर बैठा, कुल का काला कर बैठा। मन राजी घना नास पे तू सारी डाला कर बैठा, बने अंधेर लंका में तू खत्म उजाला कर बैठा, खत्म उजाला कर बैठा।